लेट्स स्टार्ट। इस ट्रेलर में हमें बहुत सारा धमाका दिखाई दिया। जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर के बीच इतना क्लोज वाले भाईचारा कहीं पे भी शुरू हो जाता है अपने भाईचारागिरी दिखाने के लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, क्लब हो या फिर ट्रेन, मतलब नॉनस्टॉप अपना जो भाईचारागिरी ना कंटिन्यू इन तक चलते गया। साथ में आपको इल्लू इल्लू करते दिखेगा अर्जुन कपूर, तारा सुतरिया, जॉन अब्राहम, दिशा पटानी या फिर दिशा पटानी तारा सुतरिया का भी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। वेलकम बैक बॉलीवुड विद मनीष। 2014 में एक मूवी आया था एक प्लेन, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर एंड रितेश देशमुख, उनका जो परफॉर्मेंस था ना उस स्टोरी के साथ जान डाल दिया था। और उस मूवी का गाने भाई धमाका मचा था, अभी गुनगुनाते हैं उस गाने को। उस टाइम उस मूवी का बजट था 39 करोड़, लेकिन उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइज 170 करोड़। लेकिन आज 8 साल बाद मैंने एक विलेन रिटर्न का ट्रेलर देखा, उसका सिक्वल भी हो सकता है या फिर कुछ नया। रिवील तो नहीं किया लेकिन हमें सस्पेंस में डाल दिया, काफी चालाकी से एडिटिंग की। लेकिन जब आप इसके स्टार कास्ट में जाओगे तो आपको इसका मेन विलन देखने मिल जाएगा, दीपांशु, सीरियल किलर। मतलब सस्पेंस नहीं रहा इसमें, आपको सब कुछ नया देखने मिलेगा। दो हीरो, दो हीरोइन और बहुत सारा प्यार, मतलब कितना कुछ नया। ट्रेलर देख के जो लगा मूवी के अंदर मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस देखने मिलेगा। जब सब कुछ डबल है तो विलेन भी डबल होगा, लेकिन वो विलेन कौन है ये तो टोटली सस्पेंस है, मतलब ट्विस्ट है यार। ट्रेलर के स्टार्टिंग में रितेश देशमुख का पीक दिखाया गया, हमें लगा शायद रितेश देशमुख का इसमें कैमियो भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाले में रितेश देशमुख का क्या परफॉर्मेंस था, वाओ। लेकिन नहीं, इसमें कोई और है जो वन साइड लवर की टाइम टाइप फिस कर रहा है या फिर कर रही है, मतलब उन लड़कियों की मर्डर हो रही है जिसका वन साइड लव अफेयर है। कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो मेन विलेन है उसने भी वन साइड लव किया होगा या फिर होगी, और उसे उसका प्यार नहीं मिला तो बन गया सबका मसीहा। फिर से मर्डर उन लड़कियों की जिसने प्यार करने से मना कर दिया, मतलब बहुत सारे ट्विस्ट देखने मिलेगा। फिल्म का स्टोरी कैसा होगा वो तो हमें थिएटर में जाके मालूम पड़ेगा, लेकिन फिल्म का गाना बहुत बवाल होने वाला है, जो मैसूर का हर एक फिल्म में होता है। फिल्म चाहे चले या ना चले लेकिन फिल्म का गाना ब्लास्ट होने वाला है। इस ट्रेलर के एंड में तेरी गलियां फिर से वो गाना सुनने मिला अरिजीत सिंह की आवाज में, मतलब फिर से कुछ धमाका होने वाला है। एक्टिंग का बात करूं तो दोनों हीरो का परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगा, बट दोनों हीरोइन को बस ग्लैमर में दिखा और इलूलू करते हुए, एक्टिंग को तो भूल ही जाओ, जरूरत ही नहीं है अभी के हीरोइन के लिए। और ये फिल्म 29 जुलाई को रिलीज होने वाला है, और इसका क्रेंज जोर शोर से बोल रहा है, एक दिन में 2 लाख लाइक मिल चुका है इस ट्रेलर को। आपको ट्रेलर कैसे लगा जरूर कमेंट करके बोलो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है ना। फिर मिलेंगे ना मूवी रिव्यू में, बाय बाय।